हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा हर्बल टिप्स। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बेसन का फेस पैक घर पर आसानी से कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, धूप की वजह से सनटैन की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो आपके लिए है और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो में मैं आपको दो फेस पैक बताऊंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैक नंबर वन, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पैक के बेनिफिट्स की। बेसन आपके चेहरे का रंग साफ करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। बेसन मुहासों को बढ़ने से रोकता है और एंटी पिंपल क्लींजर का काम भी करता है। यह उम्र से पहले झुर्रियां और स्किन को लटकने से रोकता है। इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन और दही। ये मैंने बेसन लिया है और ये दही। इस पैक को मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। अब मैं एक चम्मच बेसन ले रही हूँ और इसमें एक चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा दही और ले सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा दही और डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये आपका पैक रेडी हो गया है। इस पैक को अपने फेस पर लगाएं और 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। जब यह पैक सूख जाए तब अपने चेहरे को पानी से धो लें। इस पैक को आप वीक में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। पैक नंबर टू, बेसन के साथ एलोवेरा जेल का यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा में मॉइस्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं जो त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग का काम भी करते हैं, जो त्वचा पर झुर्रियां होने से रोकता है। इस पैक को बनाने के लिए फिर से हमें बेसन चाहिए, साथ ही एलोवेरा जेल चाहिए। चलिए पैक को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फिर से हम एक चम्मच बेसन लेंगे। और उसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। यहाँ मैं बाजार का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो घर का फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक बेसन के छोटे छोटे लम्स खत्म ना हो जाएं। अब ये आपका फेस पैक रेडी हो चुका है। अब इस पैक को अपने फेस पर लगाएं और 10 से 15 मिनट बाद जब पैक सूख जाए तब चेहरे को साफ पानी से धो लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।